पैसा लेके जो आपको नहीं मिलता उससे 10 गुना अच्छा चीज मैं फ्री में देता हूँ। लिटरली जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे आज के दिन जुड़े थे उनको जो लाइव मार्केट में आज के दिन देखने को मिला शायद ही एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे भाई निफ्टी का 300 पॉइंट का फॉल हमने लाइव मार्केट में कैच किया। आप क्लियरली देख सकते हैं 8:12 का ये पोस्ट है और मार्केट ओपन होने के बाद लाइव मार्केट में 11:14 में आज के दिन क्लियरली मैंने कहा कि 22,229 के नीचे हमें सेल करना है बोल के। और मेरे भाई ये लाइव मार्केट है, इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, टूटने से पहले बता रहा हूं मेरे भाई। और जो भी पिक्चर है ना एग्जैक्टली यही सेम पिक्चर निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का आप क्लियरली देख सकते हैं लाइन 22,229 का वही ड्रॉइंग था और उसके नीचे सुबह ही बोल दिया था इसके नीचे ये टारगेट रहेगा, इसके नीचे ये रहेगा और ऊपर से लाइव मार्केट में भी अपडेट किया मेरे भाई। अभी तो यार सब्सक्राइब करो, अभी तो यार लाइक करो, इतना मेहनत करता हूं आप सबके लिए, क्लियरली अपडेट किया कि हां भाई कंफर्म है इसके नीचे सेल करना है। उसके बाद क्या था मेरे भाई, जैसे ही लेवल टूटा 318 पॉइंट का फॉल हुआ है। नहीं नहीं आप पुट खरीदते तो छोड़ो मेरे भाई, यहां तक होल्ड करना, यहां तक भी होल्ड कर देते ना 60 से 80 पॉइंट चुटकियों में आपको मिल जाता, ये तो मैं हिसाब ही नहीं कर रहा हूं। 322 पॉइंट यार फॉल दिया है, ये सब कुछ मैं दे रहा हूं तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। प्रॉपर प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में कोई दूसरा ड्रॉइंग कोई लेवल ही ड्रॉ नहीं किया, जो मैं सुबह ऑलरेडी 8:11 पे दोस्तों दे दिया था वही ड्रॉइंग मैंने पोस्ट कर लिया और कुछ नहीं है, जैसे को वैसे है दोस्तों वही ड्रॉइंग और वही लेवल ही काम आया। तो आप समझ सकते हैं हर रोज लाइव मार्केट में जो मैं हेल्प करता हूं यार हक से मांगता हूं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है और ये वीडियो दोस्तों निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल के नाम आप बोलोगे बाकी का वीडियो कहां गया, जो कि मेरे भाई आ रहा है 6:15 पे, वहां पे बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी तीन के तीन इंडेक्स एनालिसिस करेंगे। इसीलिए तो मैं कितनी बार बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब करके रखिए और जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यार लाइक नहीं करते आप लोग, देखो आज के दिन इतना क्लियरिटी के साथ लेवल दिया हूं, अब भी अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो यार बुरा लगेगा। और जो भी अगर आपने कॉल पुट लिया है कमेंट कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं कल सुबह 8:45 के बाद रिप्लाई जरूर दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और हां आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और यहां पे बैंक निफ्टी बाकी का जो भी वीडियो है वो सेकंड वीडियो पे एनालिसिस करने वाले हैं बाकी के इंडेक्स में, ठीक है। तो सिंपल बात है दोस्तों, वन साइडेड फॉल था, मजा आ गया यार, यहां से सेल करने को बोला था लाइव मार्केट में, टूटने का तो रुका भी नहीं, उससे पहले तो मोमेंटम थोड़ा सा साइडवेज था। तो सिंपल बात है दोस्तों कल के दिन का पहला व्यू, लेकिन कॉशियस हो जाइए, प्लान नंबर ए कल के दिन कब एक्टिवेट होगा, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट या फिर गैप डाउन खुला उसके बाद दोस्तों साइडवेज हुआ, टेंशन मत लीजिए मैं अपडेट तो दूंगा बट लर्निंग के लिए, अगर मार्केट साइडवेज हुआ और 21,873 के नीचे अगर कल के दिन जाता है तो अगेन सेलिंग कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगा और बड़ा सेलिंग 21,802 के नीचे आ सकता है। इसके पीछे दोस्तों रीजन सिंपल है, अगर आप थोड़े से पीछे जाके देखोगे तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई एक बार यहां पे सपोर्ट है ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, यही सपोर्ट से दोस्तों दूसरी बार टच करके अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। तो सीधी सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कल के दिन यही सपोर्ट के नीचे अगर साइडवेज होके ब्रेक डाउन कर देता है ना 21,873, ओके 21,873 विलो कहीं ना कहीं हम सेल करेंगे, इतना क्लियर है दोस्तों पूरे के पूरे। उसके नीचे अगर आप देखोगे और भी एक बड़ा सपोर्ट है जो कि मैंने अभी कहा कि 21,802 के नीचे और बड़ा सेलिंग देखने को मिला क्योंकि यहां से नीचे आया एंड देन बी से रिकवरी, तो ये एक मेन सपोर्ट है दोस्तों। तो सिंपल बात है, पहला सपोर्ट तो आपको पता चल गया 21,873 के नीचे सेल टारगेट ये, इसके नीचे अगेन मार्केट बड़ा फॉल दे देगा। अगर मैं बात करूं बाइंग का तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत रहेगा, फिर भी ध्यान से समझिए, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट खुलता है उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज होता है 10-15 मिनट और अगर 22,056 अगर लेवल ब्रेकआउट कर देता है तब डेफिनेटली दोस्तों हम कहीं ना कहीं कॉल खरीद सकते हैं। इसके पीछे रीजन सिंपल है, यहां पे अगर आप देखोगे एक बार कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को टच किया, अच्छा खासा डाउनफॉल दिया, यहां पे अगर आप देखोगे आज के दिन आखिरी टाइम पे आते आते सेकेंड टाइम टच किया और अच्छा खासा डाउनफॉल दिया। तो सिंपल बात है, क्लियर बात है दोस्तों,
अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट खुला और ये लाइक ट्रेंड लाइन टूट गया और उसके बाद साइडवेज होके 22,056 अगर ब्रेकआउट कर देता है ना, तब डेफिनेटली दोस्तों हम कॉल बाय करेंगे। क्योंकि रीजन सिंपल है कि मेरे भाई ट्रेंड लाइन भी टूटा, उसके साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं छोटू वाला जो रेजिस्टेंस था 22,056 वो भी टूटा, तो टारगेट 22,131 अगर ये टूटा तो मेरे भाई 22,229 हमारा टारगेट रहेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये है और इसके ऊपर ये है। अब चले जाते हैं और एक व्यू पे, अगर कल के दिन, अब तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है यार, अगर कल के दिन मार्केट गैप अप खुल गया, देखिए कल मेरा व्यू सही हुआ यार, आज के दिन फाइनली निफ्टी थोड़ा ज्यादा गैप अप खुला था, और कल के दिन मैंने क्या कहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सच में कुछ नहीं बोलूंगा। और जो लोग कमेंट किए थे आज के दिन कि भाई कॉल पुट होल्ड किया, उनको मैंने क्या रिप्लाई दिया था, जो लोग कॉल होल्ड किए थे मैं उनको क्या रिप्लाई दिया था बताएं, आप जाके चेक कर सकते हैं भाई। पहला 15 मिनट कैंडल तक वेट करो, उसका लो टूटता है तो मेरे भाई अपने पोजीशन को एग्जिट कर लो। और जो लोग बोले थे सर मैं ये पुट वो पुट होल्ड किया, उनको क्लियरली बोला था भाई वेट करो पहला 15 मिनट तक, उसका लो टूटता है तो होल्ड करो। जो भी लोग बात माने होंगे उनको प्रॉफिट मिला होगा, वो सारे बात छोड़िए, कल के दिन क्लियरली बोला अगर मार्केट गैप अप खुला तो सेलिंग आएगा, अगर मार्केट गैप अप खुला तो क्लोज एयर आइज एंड सेल बोल के मैंने बोला था। और हमेशा ये सेम चीज में हर वीडियो में रिपीट करता हूं। आज आप देखो गैप अप खुला, पहला 5 मिनट का ही लो टूटा, कंप्लीटली सेलिंग साइड, तो वही सेम व्यू दोस्तों, रीजन भी सेम रहेगा। कल के दिन मान लेते हैं अगर बड़ा गैप अप खुल गया या फिर मीडियम भी गैप अप खुल गया ना मेरे भाई, और बाइंग के बारे में मत सोचिए, फिर यहां से आएगा सेलिंग। इसके पीछे सिंपल रीजन है। जो भी लोग दोस्तों ये सोच के गए कि इतना बड़ा फॉल आ गया, चलो अब मैं यहां पे कॉल खरीद लेता हूं, यहां पे कॉल खरीद के जाता हूं, कल तो अपसाइड का मूव आएगा, और बाय चांस अगर कल के दिन गैप अप खुल गया तो जो भी लोग यहां पे कॉल खरीद के गए होंगे वो तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यानी कि बाय पोजिशन एग्जिट कर लेंगे, तो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपल बात है दोस्तों, ये तो सबसे पहला रीजन है कि जो बाय करके गए गैप अप खुला तो सेल में कन्वर्ट होगा, तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। दूसरा रीजन ये है कि अगर गैप अप खुल जाएगा ना, तो यहां पे आप देखो कहीं ना कहीं एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं दोस्तों एक तगड़ा रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट नीचे गिरा है, खुला फिर यहां से नीचे आएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मार्केट इसके और भी ऊपर गैप अप खुला, तो यहां से जो पैनिक सेलिंग आया है, तो यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे हर एक प्लेस पे रेजिस्टेंस है, तो मार्केट गैप अप खुला तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तीसरा व्यू दोस्तों, मतलब चौथा व्यू प्लान डी, अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल गया तब हम क्या करेंगे, तब क्वेश्चन मार्क, तब दोस्तों सिंपल बात है, मैं कल भी ये बात बोला था। तो अगर गैप डाउन मार्केट खुल गया, तो अगर आप देखोगे पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली फॉल आ रहे हैं, कल अगर गैप डाउन खुल गया ना, तो जितने भी दोस्तों यहां पे पुट बाय करके बैठे हैं, जो भी लोग यहां पे फ्यूचर को सेल करके बैठे हैं, ऑब्वियस ही बात है अगर गैप डाउन खुला तो अपना सेल पोजिशन एग्जिट करेंगे, तो बाय में कन्वर्ट होगा और मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। तो गैप डाउन खुला डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं बाय, हायर हाई बनते हैं बाय, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। गैप डाउन खुला तो हमें बाय ही करना है, रीजन नीचे की तरफ अच्छा खासा सपोर्ट है, और सेम जैसे जो लोग पुट बाय किए हैं सेल पोजीशन एग्जिट करेंगे तो बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। 22,000 पकड़ लेते हैं यार, 22,000 के आसपास क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये कॉल राइटर, ये पुट राइटर क्रिएट करते हैं सपोर्ट में, आई वाली कॉल राइटर क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस, पुट राइटर क्रिएट करते हैं सपोर्ट। तो देखिए 22,000 के आसपास क्लोज दिया है, ठीक है, और आज के दिन तो कॉल राइटर का भाई बल्ले बल्ले और बढ़ना ही था, वो तो दिखेगा ही। यहां पे अगर आप देखोगे 22,000 पे ही 78 लाख से ज्यादा कॉल राइटर भाई, 78,90,100 से ज्यादा कॉल राइटर। यहां पे अगर आप देखोगे 22,050 पे 32 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, हद तो तब पार हो गया। 22,100 पे 80,65,300 से ज्यादा कॉल राइटर है, ये अभी अभी है दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं भाई मैसिव कॉल राइटिंग इंक्रीज हुआ है। तो 22,100 के उसके ऊपर भी देखो 52 लाख, उसके ऊपर देखो 82 लाख, उसके ऊपर 42 लाख, उसके ऊपर 1,06,15,850 से ज्यादा। यानी कि यार सच बताऊं ना, कोई कंडीशन के साथ लेवल बोल ही नहीं सकता मैं, क्योंकि हर एक लेवल पे यार इतने बड़े बड़े कॉल राइटर बैठे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं। हाँ, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 22,100 के ऊपर जाएगा तब थोड़ा सा आपको शायद ही शॉर्ट्स कभी नहीं देखने को मिल सके। नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये रिपोर्ट आना ऑब्वियसली बात है, पहले से पता था, ऑप्शन चेन देखने पहले से पता था कि ये पुट राइटर का आज के दिन हालत होने वाला है बोल के। -11 लाख पुट राइटर वॉश आउट, -23 लाख पुट राइटर वॉश आउट, -5 लाख, -5 लाख, अरे पुट राइटर भागे हैं मेरे भाई।
और क्यों ही ना भागे, ऑब्वियस सी बात है जितना बड़ा फॉल हुआ है उनको कितना नुकसान हुआ होगा। नीचे की अगर मैं बात करूं तो हाँ 21,900 पे एक आखिरी उम्मीद टिका है, वहां पे 20,95,150 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं 20,95,000, वो भी 21,900 के लेवल पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल बात है, अगर इसके नीचे अगर आ जाएगा ना तो नीचे कोई पुट राइटर को बचाने के लिए नहीं है, ओनली 2,00,000, 16,00,000, 15,00,000 पुट राइटर बैठे हैं। तो सिंपल बात है दोस्तों, अगर कल के दिन 21,900 टूटा तो अगेन हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को हमेशा प्यार दीजिए, आज के लेवल के लिए लाइक कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय एंड अभी गई मैं आ रहा हूँ 6:15।